नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आज न्यूज में। और दूसरे T20 मैच के शुरू होने से पहले ही रो पड़े भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट सब तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच राजकोट में खेला जा रहा है और इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, इस मैच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इस मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, अपने करियर का पहला अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने से पहले ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आज ग्राउंड में भावुक हो गए। आपको बता दें कि पहले तो मैदान में टॉस के बाद कोच रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज को इंडियन क्रिकेट टीम की टोपी थमाकर यह बताया कि वह आज का मैच खेल रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही टीम मैदान में उतरी और भारत का राष्ट्रगान खत्म हुआ, तब गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंखें नम हो गई और उनके भावुक होने के एक्सप्रेशन पास लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह बता दें कि पिछले IPL सीजन में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन धमाकेदार रहा था और वह निरंतर रणजी ट्रॉफी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और मोहम्मद सिराज अपनी काबिलियत व उनके निरंतर अच्छे प्रदर्शन के दम पर ही आज भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेल रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज एक ऑटो ड्राइवर चालक के लड़के हैं और उन्होंने अपने दम पर ही इतनी सफलता हासिल करी है और आज उनकी टीम में शामिल होने पर सभी क्रिकेट प्रेमियों को उन पर गर्व भी है और शायद इसीलिए वे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला मैच खेलने की शुरुआत में ही भावुक हो गए। तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज के भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।